भीतरवार की बात करते हैं, जहां विकास खंड के ग्रामपुरी की सुप्रसिद्ध प्राचीन श्री हनुमान मंदिर पर योगीराज युगावतार श्री महंत राज राजेश्वरी गिरी आह्वान अखाड़ा श्री खड़ेश्वरी महाराज जी द्वारा आयोजित कराए जा रहे विश्व शांति श्री शत चंडी महायज्ञ एवं श्रीमद भागवत का छठवें दिन शनिवार को श्री महंत खड़ेश्वरी महाराज जी के धुना पर हजारों की तादाद में पहुंचे श्रद्धालु और सभी श्रद्धालुओं ने श्री खड़ेश्वरी महाराज जी से भभूत लेकर आशीर्वाद दिया। वहीं कई श्रद्धालुओं ने बताया, श्री महंत जी की भभूत से हम सभी के कष्टों का हरण हो गया। वहीं पंचभूत यज्ञशाला में उपस्थित संत महात्माओं, वेद शास्त्र पंडितों, ज्ञाता पंडितों द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण के माध्यम से प्रातःकालीन संध्याकालीन वेला में यज्ञ अनुष्ठान कराते हुए महंत श्री ने बताया, माँ दुर्गा की स्तुति सुख लाभ जय इत्यादि कामनाओं की पूर्ति के लिए की जाती है। वहीं उन्होंने कहा, दुर्गा जी को प्रसन्न करने के लिए जिस यज्ञ विधि को पूर्ण किया जाता है उसे चंडी यज्ञ बोला जाता है। सनातन धर्म में शतचंडी यज्ञ को बेहद शक्तिशाली वर्णित किया गया। इस यज्ञ के आयोजन से बिगड़े हुए ग्रह की स्थिति को सही किया जा सकता है और सौभाग्य इस विधि के बाद आपका साथ देने लगता है। इस यज्ञ के आयोजन से मनुष्य खुद को आनंदित वातावरण में महसूस कर सकता है। यहाँ तक कि इस आयोजन में भाग लेने या इसका आयोजन कराने से बड़ा दुश्मन भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। उन्होंने बताया, गणेश जी भगवान से नवग्रह नवदुर्गा देवी माँ को समर्पित करने से मनुष्य का जीवन सदा सदा के लिए धन्य हो जाता है। रोजाना कथा का रसपान करने के लिए श्रद्धालु यहाँ पहुंचते हैं। साथ ही आपको ये भी बता दें कि प्रतिदिन लाखों श्रद्धालु के लिए भंडार बनाया जाता है। श्री शतचंडी महायज्ञ के दौरान कराया गया इस अवसर पर लाखों श्रद्धालु प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। फिलहाल की कुछ खास खबरें, बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए भारत न्यूज टीवी खबरों की पड़ताल। नमस्कार।